सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, आज के इस वीडियो के माध्यम से दास आप जी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा है जिसका मुख्य शीर्षक कि हमारा निरंकार दाता पर सदगुरु पर विश्वास कैसा हो। एक समय की बात है, यूरोपियन देश के एक गांव के अंदर बारिश नहीं हुई। काफी लंबे समय से गांव के अंदर बारिश नहीं हुई, लोग त्राही त्राही कर रहे थे और सब जगह पशु मर रहे थे। तो ऐसे में वहाँ गांव के सभी लोग मिलकर अपने स्थानीय जो धर्म गुरु थे पादरी, उनके पास जाते हैं और जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे यहाँ काफी समय से बारिश नहीं हुई है और अकाल जैसी स्थिति प्रकट हो गई है, तो आप ऐसा करो कि प्रार्थना कर दो। तो उन्होंने सभी ने उनसे प्रार्थना की, लेकिन पादरी ने कहा कि आप आज वापस जाएं, कल हम सभी इकट्ठे होकर जो बाहर के खुला मैदान है वहां पर इकट्ठे होंगे। सभी अगले दिन उस मैदान में इकट्ठे होने के लिए आ गए और पादरी भी अपने हाथों में छाता लेकर पहुंच गए। और जब पादरी उस गांव के ऊंचे टीले पर पहुंच गए और खड़े हो गए, वहां पर उन्होंने सरसरी निगाह डालकर सबकी ओर देखा कि सभी गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने ऐलान किया कि आप गिड़गिड़ा कर थक भी जाओ तब भी बारिश नहीं होगी। ऐसा सुनते ही गांव के सभी लोग आश्चर्य पड़ गए कि क्या मैंने तो हम हमारे सभी काम छोड़कर आए हैं और आप कह रहे हो कि अब बारिश नहीं होगी। तो पादरी ने समझाया कि जब हमें विश्वास ही नहीं कि बारिश होगी कैसे, जब सभी ने इकट्ठे होने का था लेकिन किसी के हाथों में वो छाता या बरसाती नहीं था, तो जब हमें विश्वास ही नहीं कि निरंकार दाता प्रभु परमात्मा बारिश करेगा, तो हमें अगर विश्वास होता तो हम सभी छाता लेकर उपस्थित होते। तो इस प्रकार से सभी गांव के लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो इस कहानी का माध्यम यही है कि हमारा विश्वास कैसा हो। तो हमारा विश्वास बिल्कुल अटूट हो सदगुरु पे। विश्वास ऐसा हो कि जैसे एक पिता होता है, वह अपने बच्चे को आसमान में फेंक देता है और वापस हाथों से पकड़ लेता है। उस बच्चे को जरा सा भी गम नहीं कि मेरा पिताजी मुझे गिरा देगा या फिर मेरा पिताजी मुझे बचा लेंगे। वो बेफिक्र होकर अपने पिताजी के हाथों में है। साथ संगत, तो हमने भी बिल्कुल समर्पण भाव से सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाना है कि जो भी सदगुरु किया वो अच्छा किया, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसा हमारा अटूट विश्वास हो तभी ये भक्ति हमारी सार्थक होगी, क्योंकि भक्ति भाव समर्पण का है और बिना विश्वास के समर्पण आना असंभव है। तो इस प्रकार से यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा कि हमारा विश्वास सदगुरु के प्रति अटूट हो और बिल्कुल समर्पण भाव वाला हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत शिकवे नहीं हो और सदगुरु जो भी करेगा वह अच्छा ही करेगा। इस प्रकार के भाव लेकर हम अपने जीवन को जिएंगे, सत्संग सेवा सिमरण करेंगे, तो अवश्य हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा और नए वीडियो के साथ आप जी के समक्ष उपस्थित होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आप जी को दास की भावना अच्छी लग रही है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ संगत कि हमने सभी ने मिलकर सदगुरु के प्रति अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि सदगुरु की सौगातें और सदगुरु का जो लक्ष्य है वो बहुत ही बड़ा है। सदगुरु दिन रात एक करके अपने भक्तों को निहाल कर रहे हैं। तो दास अगले वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होगा, अभी के लिए समाप्त आती है। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।